पहुंची गली में। हमारी मांग है, हमारी मांग है, हमारी मांग है। आपके धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और क्या मामला था इसके आप बैठे हैं? मैं भी बहुत आभारी हूँ आप गली में उसके माध्यम से आप लोग आए हमारे धरना प्रदर्शन को फॉलोअप के लिए। आपने ये हमारा मांगना ये है कि जो माइनर बच्चा जिसकी डेथ हुई थी उसको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से या फैमिली की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिला नहीं फैमिली को सपोर्ट। दूसरी साहब जो हम लोगों की जो मांग थी जैसे कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर दूसरे और बच्चों का हादसा ना हो उसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है। यहाँ पे सिग्नल पे गुवंडी मानपुर लिंक रोड इतना बड़ा यहाँ पे कोई भी सिग्नल पे एक भी आईटी ऑफिसर नहीं रहता है। सारे के सारे करीब 8 से 9 ऑफिसर सिर्फ मानपुर ब्रिज के नीचे आपको मिलेंगे जो सारे काम को अंजाम देते रहते हैं। यहाँ पे साहब ये ब्रिज बनी थी 650 करोड़ की ये ब्रिज बनी है। ये ब्रिज को इसीलिए बनाया गया था कि डायरेक्टली जो कचरे की गाड़ियाँ आएगी वो डायरेक्ट नीचे जाएगी, पर इससे लोगों को कुछ भी लाभ मिला नहीं। लाभ नहीं मिलने की वजह अब ये गवर्नमेंट की नाकामी है। उन्होंने ब्रिज बनाया वो सफल नहीं हुई। आज भी कई गाड़ियां जो 18 से 20 टन लोड रहती है और कोई कोई बड़ी गाड़ियां जो 30 से 35 टन लोड रहती है 10 से 12 टायरा तो यहां से रेगुलर टू रेगुलर अप डाउन करती है क्योंकि ये धोना डंपिंग बहुत बड़ा है। एक तो हमारे पास तो ये डंपिंग का तो कचरा का इशू था ही बीमारी का, अभी दूसरा ये SMS भी ला के रख दिए, अभी बच्चों की जान से खेला जा रहा है। तो मेरा मांगना ये था कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो बच्चे लोग स्लम एरिया की वजह से बाथरूम सिर्फ यहाँ पे दो है तो जितने भी लोग ये बाथरूम क्रॉस करने के लिए बाथरूम आने के लिए यहाँ से क्रॉस करके आते हैं माइनर माइनर बच्चे क्योंकि फैमिली का छोटा छोटा रूम है यहाँ पे स्लम एरिया आपको भी पता है इस बारे में। तो यहाँ से जब बच्चे क्रॉस करते तो ड्राइवर लोगों को घाई रहती है जैसे ज्यादा कमाने की या फेरा जल्दी जल्दी मारने की। और यहाँ पे ट्रैफिक का भी बहुत इशू है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिसर रहता ही नहीं है लीड करने के लिए। आज आप दोपहर से बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे जी, किसी तरह की कोई अधिकारी आपसे आके मिले या यहाँ पे आमदार के ये खासदार के ये कोई आपसे मुलाकात साहब दोपहर से आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं? साहब अभी तक का तो कोई नहीं आया है और जितना भी हम लोगों को कोऑपरेट किए सब पुलिस प्रशासन ने किए ना। यहाँ पे BMC के अधिकारी आए हैं, ITO के अधिकारी आए, दो बात करे और चले गए। हमसे उनसे मांग ये थी कि आप हमको लिख के दो कि आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे सिग्नलों पे। अभी आपने एक एलिगेशन लगाए थे कि इसमें FIR में नाम नहीं है आरोपी का, ये क्या था मामला? आपकी से बात इस ऑफिसर से क्यों नाम नहीं है, क्या बात हुई? वो सारी चीजों के बारे में मेरे बड़े भाई है समत भाई ये आपको बताएंगे। क्या मामला था भाई आज आप जगह पोजीशन में बैठे? जय हिंद, मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक 4 दिन पहले इधर पे एक्सीडेंट हो गया था कचरे की गाड़ी से जिसमें डेट हुआ था। ऐसी लोगों की भीड़ थी, बहुत सारे पत्रकारों ने कवर किया था उसको और बहुत देर तक का प्रोटेस्ट चला था। उसके बाद में FIR लॉन्च हुआ था जिसमें इसमें आप देख सकते हैं FIR पे नाम नहीं है, डंपर का नंबर डाला हुआ है और एड्रेस डाला है, FIR पे उसका नाम नहीं है। पहला दूसरा ऐसा है कि हमने कितना दिन हो गया एक्सीडेंट होकर? 4 दिन हो गया। तो आज आप कहते कि आरोपी का नाम नहीं है, आज आपकी बात हुई है ऑफिसर से? अभी हुई है। तो ये हमारा उस टाइम सीनियर साहब से ये 8 टर्म कंडीशन पे साइन हुआ था, ये 8 टर्म कंडीशन पे साइन हुआ था जिसमें से हमने अभी उनको ये बोला है 6 नंबर पे कि अगर उसका क्लीनर होता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता था। तो क्लीनर नहीं रहता है इनके पास में, इसके लिए वो एक्सीडेंट होता है। तो पुलिस प्रशासन ने क्या कंपनी को वाइकान कंपनी को उसका पुलिस का नोटिस भेजा गया FIR के लिए, ये हमने अभी मांग किया है जिसमें सीनियर साहब का ऐसा कहना है कि आप आ जाओ मैं नोटिस भी भेज देता हूँ और FIR कॉपी पे मैं नाम मेंशन करके आपको देता हूँ। तीसरा पुलिस से हमने पूछे कि ये जो आपने FIR की है इसके ऊपर आपने अभी तक का क्या एक्शन लिया, वो हमको पेपर में चाहिए। तो जिस RTO और BMC और पुलिस प्रशासन से अपन ये पूछ रहे थे जिसमें पुलिस ने हमको लेटर दे दी जिसमें पुलिस ने BMC को और RTO को अल्टीमेट दे दिया है। पुलिस का कहना है कि काम जल्द से जल्द हो जाएगा, मांगे जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगी। ये हम लोग पूछने के लिए वुमन सपोर्ट फाउंडेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, वुमन सपोर्ट फाउंडेशन के माध्यम से हमने एलिगेशन करके आज हम लोग ने ये आंदोलन को छेड़ा है जिसमें हमारी मांग को पुलिस प्रशासन ने अभी तो पूरी कर दी है। इसमें हमको RTO और BMC भी कॉपरेट करना चाहिए था। छोटी सी मांग है गोवंडी की जनता के लिए कि हमारे को ये जो पीछे डंपिंग ग्राउंड से जो रोड आया है उस रोड पे 3 ब्रेकर चाहिए
और आरटीओ की एक घाटियों पर मानपुर लिंक रोड में तीन सिग्नल है जहां पर हमेशा एक्सीडेंट डेट हो गया है। तो ऑफिसर इन सिग्नलों पे खड़े रहना चाहिए, ये दो हमारी मांग थी। पुलिस से मांग थी कि एफआईआर में नाम होना चाहिए, तो पुलिस का हमारा मांगनी पूरा हो गया है। बीएमसी और आरटीओ ने कोई भी मदद अभी नहीं किया है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जिसमें कभी तक चलेगा आपका ये हड़ताल जो है, आप यहाँ बैठे हैं आज दोपहर से, अभी कब तक हड़ताल चलेगा आपका? उन लोग दो दिन बोल रहे हैं, हम लोग 2 दिन तक का बैठे रहेंगे इधर पे, 2 दिन के बाद जाएंगे, जैसा काम होगा हम लोग उठ के जाएंगे। जब तक स्पीड ब्रेकर या लोग आश्वासन ना दे कि मैम करने का नहीं होगी, जब तक नहीं जाएंगे। और अगर मांगने के लिए उनको समय लगता है तो हमको पत्र में जैसा शिवाजी नगर पुलिस ने दिया वैसे आरटीओ और बीएमसी हमको दे दे, हम चले जाएंगे। अगर आपको लिखित में मिलेगा तभी आप यहाँ से जन्म रजिस्ट्रेशन बंद करेंगे, बराबर? हाँ बराबर। तो इसमें अभी इसमें अबू हाशिम आजमी के कुछ लोग आए थे और एमपी के कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने भी आश्वासन नहीं दिया, उनसे भी हमने यही मांग नहीं किया, लेकिन वो मांगनी पूरी नहीं करके उन लोग यहाँ से फूर हो गए।